अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सोवाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू नाजिमास किचन। सो आप लोग को एक देख के तो लग रहा होगा, एक बढ़िया सी स्नैक्स आइटम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गाइस बहुत ही यम्मी बनी थी, मैंने और मम्मी ने बहुत ही इंजॉय किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया है, इसको अच्छे से बॉयल कर लिया और मैश करके रेडी कर लिया था। फिर इसमें ऐड कर लिए 1 टेबल स्पून मिल्क, फिर उसके बाद मैंने ऐड करा 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड किया है मैंने रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जितना स्पाइसी चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून चीज़ पाउडर। चीज़ पाउडर इसलिए डाले क्योंकि चीज़ पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ तो टेस्ट और मज़ेदार आएगा। और यहाँ पर मैंने ऐड किया 7 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा डो प्रिपेयर हो जाएगा, आप देख सकते हो। देखिए डो प्रिपेयर होके रेडी हो गया है, पर अभी बॉल्स बना लेंगे, चीज़ बॉल्स। फिर यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा स्टफ़, इसको अच्छे से बॉल्स बना लिया है मैंने। फिर बॉल्स बनाने के बाद ये स्टफ़ को थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। फ्लैटन इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इसमें चीज़ ऐड करना है। और यहाँ पर ये 2 मैंने क्यूब्स लिए, ये मोज़रेला चीज़ है और इसको अच्छे से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसमें चीज़ ऐड किया। और फिर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद फिर से हम गोल बना लेंगे अच्छे से। आप आपके हिसाब से बॉल्स बना सकते हैं, अगर आपको छोटे बॉल्स बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं या बड़े बनाए तो बड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े बॉल्स बनाए हैं और मैंने इस तरीके से हर एक बॉल्स को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, एंड तक देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये रेसिपी देखने और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप लोग आपके बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में एक स्नैक के तौर पे, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बना लिया। और यहाँ पर मैंने लिया 1 एग और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर मीन्स मैदा लिया है। और इस बॉल को हम अच्छे से पहले मैदे के साथ कवर कर लेंगे, फिर हम इसमें फिर से हम इसमें एग में डिप करेंगे अच्छे से बॉल को। फिर ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे ब्रेड क्रम से, जी ब्रेड क्रम से कवर करेंगे ताकि और अच्छा क्रिस्पी लगेगा और मज़ा भी आएगा खाने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हर एक चीज़ बॉल को ब्रेड क्रम में कवर करके कोट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखिए मैंने इस तरीके से हर एक बॉल को ब्रेड क्रम में कोट करके रेडी कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते फ्राई करना। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया था, उसको मैंने 5 मिनट्स के लिए हीट कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर जैसे ही ऑयल हीट हो गया और हम इसको ऐड कर लेंगे, हर सारे बॉल्स को हम ऐड कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी अच्छा से एक ब्राउन कलर आ जाए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। हमारे अम्मी के एक सब्सक्राइबर है, उसने एक इंग्रेडिएंट दिया था चीज़, बोला कि चीज़ से कुछ भी बना के लेकर आओ रेसिपी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मज़ेदार एक स्नैक आइटम की रेसिपी लेकर आऊँ जो कि बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनी थी रेसिपी। और यहाँ पर देखिए क्रिस्पी चीज़ बॉल की रेसिपी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी थी, गरम गरम मज़ा भी आ रहा था। आप इसको सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। फिर देखिए चलो खाते हैं अभी, और आप लोग भी खाइए हमारे साथ और इन्जॉय करिए। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी मम्मी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन देखने मिलेगी। और अगर आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ 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 स्टे कनेक्टेड विद नाजिमास किचन। तो मैं आऊँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।